पाकिस्तान ने रविवार को नया इतिहास रचा। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने भारत को T20 विश्व कप 2021 के महामुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। ये इतिहास में पहला मौका है जब पाकिस्तान किसी भी ICC विश्व कप में भारत को हराया है। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई के मैदान पर 152 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान के ओपनर्स ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही बिना कोई विकेट गंवाए जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम की हार के साथ विराट कोहली 29 सालों में ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिनके पाकिस्तान के सामने ICC विश्व कप में मैच गंवाया है। और गौरतलब है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियों ने इस जीत का इंतजार किया है और अब उनका ये सपना पूरा हो गया है। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा और क्या कहा भारत की इस हार को लेकर, क्या बड़ी वजह है भारत के इस हार के पीछे की, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में और धोनी ने क्या कहा जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके टीम इंडिया के लिए सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब ये जानने से पहले कि महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्या कहा कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैच के बाद धोनी ने हार की क्या बड़ी वजह बताई है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें टीम इंडिया की हार की प्रमुख बड़ी वजह क्या रही। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद कप्तान विराट कोहली भी नाखुश दिखाई दिए, लेकिन इन 5 वजहों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहली और बड़ी वजह, भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके अलावा KL राहुल भी केवल 3 रनों का ही योगदान दे सके। दोनों ओपनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। सूर्य कुमार यादव के पास भी इस मैच में मौका था जिन्हें भी बड़े विश्वास के साथ टीम में लाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया ये सबने देखा। तो सूर्य कुमार यादव का खराब फॉर्म टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह बना। वही हार्दिक पांड्या एक शॉट लगाते और कंधा पकड़कर दबाने लगते, अगर वे फिट नहीं है तो उन्हें टीम में क्यों शामिल किया गया है, जब आपके पास ईशान किशन थे जो शानदार फॉर्म में थे, शार्दुल ठाकुर थे जो भी शानदार फॉर्म में थे। हार्दिक के पास भी अच्छा मौका था कि वो कुछ बड़े शॉट्स खेल सकते थे, लेकिन वो तो कंधे से ही परेशान थे। अब उनके कंधे का चोट कैसा है ये तो स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा। वहीं जहां एक तरफा पाकिस्तान गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की तो वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी निराश किया। बुमराह, शमी, भुवी, जडेजा जो मिस्ट्री स्पिनर था वरुण चक्रवर्ती विकेट लेने में तो एक भी कामयाब नहीं रहा। शमी ने 4 ओवर में 43 रन लुटा दिए, वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर में 33 रन दिए। भारत का कोई भी गेंदबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के सामने प्रभावी नजर नहीं आया। अनुभवी स्पिनर आर अश्विन को टीम से बाहर रखना भी ये फैसला सही साबित नहीं हुआ। मैच के बाद धोनी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं मैच के बाद धोनी के आगे हाथ बांधे खड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इज्जत कमाना इसे कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला बेहद तनावपूर्ण माहौल में होता है। मैच के बाद जब खिलाड़ी थोड़ा रिलैक्स हुए तो बातचीत शुरू हुई। एक खिलाड़ी जिसकी पाकिस्तान क्रिकेटर के बीच सबसे ज्यादा डिमांड थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। बाबर आजम हो या शोएब मलिक, इमाद वसीम हो या नए नए फैन बॉय बने शहनवाज धानी, ये बात करने को सब उतावले थे। माही ने किसी को निराश भी नहीं किया। पास धानी के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। एक तो उनकी टीम ने पहली बार भारत को किसी वर्ल्ड कप में हराया और ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका मिल गया। धोनी ने अपने इस पाकिस्तानी फैंस को निराश नहीं किया। दोनों के बीच कुछ बातचीत और फिर सोशल मीडिया पर और फिर तस्वीरें खिंचाई गई। लेकिन अब आइए जानते हैं धोनी के उस बयान के बारे में जो वाकई में एक बहुत ही बड़ा बयान था। हार के पीछे की बड़ी वजह तो आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब भारत 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी ने एक बयान दिया था कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ 12 बार मुकाबला जीता है तो ऐसा नहीं है कि भारत कभी हारेगा ही नहीं। जी हाँ, कभी न कभी हारेगा, चाहे 5 साल बाद, 10, 15, 20, 25 साल बाद, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत एक भी मुकाबला नहीं हारेगा। एक दिन वो हार का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ी सालों का गैप बताया था, लेकिन उनकी इस बोली को तो महज 5 सालों के अंदर ही पूरा कर लिया गया। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो चेतावनी दी वो यहाँ पे पूरी हुई होती नजर आती है।